कोतवाली क्षेत्र के संतोषपुर मजरे जनई गांव में आने जाने के सार्वजनिक मार्ग पर दबंगों ने एकजुट होकर रातों रात जबरन दीवार खड़ा करके मार्ग को अवरुद्ध करने का षड्यंत्र रचा। गांव वालों के समझाने पर दबंग नहीं माने तो पूरे गांव ने एकजुटता दिखाते हुए दबंगों द्वारा बनाई गई रातों रात दीवार को जाकर आवागमन में पैदा की गई बाधा को दूर कर दी है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि गांव में आने जाने का सार्वजनिक मार्ग है, जिसको अवरुद्ध करने के लिए गांव के ही दबंग रामचंद्र पुत्र हनुमान और उनके साथियों ने गांव वालों की मनाही के बावजूद रातों रात लगभग 6 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी, जिससे राम सागर आदि का आगमन अवरुद्ध हो गया। उन्होंने इस बात को लेकर गांव के प्रमुख लोगों से शिकायत दर्ज कराई। गांव वालों ने मौका मुआयना करके अतिक्रमण करने वालों को समझा बुझाकर अवैध रूप से बनाई गई दीवार हटाने को कहा, तो दीवार हटाने की बजाय दबंग पूरे गांव को ही धमकाने लगे, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। चूंकि अवैध निर्माण हटाना सरकारी काम है, लेकिन पुलिस और शासन के अधिकारियों कर्मचारियों के संपूर्ण लॉकडाउन लगे रहने के कारण व्यस्तता का फायदा उठाकर दबंगों ने अवैध निर्माण करवाया था। यह देखते हुए ग्रामीणों ने जनहित में सार्वजनिक आवागमन को बनाए रखने के लिए दबंगों द्वारा बनाई गई गैरकानूनी तरीके से दीवार को खुद हटा दिया है। इससे दबंगों के हौसले पस्त हो गए हैं, लेकिन वह लगातार दुष्प्रचार करने में जुटे हैं कि दीवार उन्होंने अपनी भूमिधरी जमीन में बनाई थी। आइए देखते हैं, रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। ये मकान है आपका सामने? जी। कहाँ पर बना रहे थे? बना ये आ रहे हैं, खड़े हैं। अच्छा, ये आपका, ये आपकी न्यू है, ये जो बनी हुई है? नहीं, ये उन्हीं की है। अच्छा, उन्हीं की है। और ये भी वही बना रहे थे विपक्षी? ये नाबदान किसने बंद किया आपका? ये नाबदान भोला गुरुदेव भैया। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। राम सागर जी। पिताजी का नाम? मायपुर। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम संतोषपुर मजरे जनई थाना महाराजगंज जिला। क्या मामला है, पूरी बात बताओ। ये जी हमारी जमीन है सर। जी। इस पर निर्माण कर रहे हैं जी। कौन कर रहा था? भोला गुरुदेव, जगदेव, रामचंद, मोनू जी। मोनू पासी दौतरा करा रहे थे। जी 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 जी। थी उसकी बात, ये ड्रेन भरी गई तो हमने 100 नंबर किया। वो सामने वाली जी 100 नंबर आई, रुकवा के गई। काम रुक गया जी। फिर चली गई जी। फिर काम ही लगाया। फिर इनके साथ कोई पता लगा हमको, कोई पत्रकार आए, 2 सिपाही आए, वो हमको बुलवाए जी। बुलवाने की बात थाने हमको ले गए जी। थाने ले जाने के बाद ये दीवार तैयार करा दी गई। उसके बाद ये नई भर दी गई जी। फिर हमको 3 बजे छोड़ा गया। पहले कहा गया इंस्पेक्टर से बात कराएंगे, फिर बात नहीं कराया जी। दरोगा जी हमसे कहा कि हमको मौका देखेंगे कल। फिर मौका देखने के बाद वहाँ हम निकले तो यहाँ काम चल रहा था, फोन गया। फिर हमने फोन किया 100 नंबर को, 112। फिर हम यहाँ आए, फिर 112 आई तो काम बंद था जी। जी, और कुछ कहना है इस मामले के बारे में? इस मामले के बारे में हमारे जान मान को खतरा है जी। अच्छा, ये नाबदान बता रहे हो, नाबदान किसने बंद कराया आपका? नाबदान भोला गुरुदेव, जगदेव जी, ये सब बंद के 5 भाई। अच्छा, जान मान का किससे खतरा है आपको? भोला गुरुदेव, हनुमान जी, सबसे जी। जी, एक बार मारा भी हमको इसी जमीन के चक्कर में 2003 में। मेरी माँ को भी मारा। भैया पहले अपना नाम बताए। मोहन मिश्रा जी, आपके गांव की एक समस्या है जो दीवार अभी गिरा दी गई है, तो क्या मामला है, पूरी बात बताओ जी। उसमें रामचंद्र और राम सागर दोनों लोग वहां बुलाए थे समझौता के लिए जी। और वो दीवार जो है अनर्गल बनाई गई जी। वो कब्जा वहां राम सागर का आज कम से कम 50 साल का है। तो उन्होंने गांव वालों को गाली देना शुरू कर दिया रामचंद्र ने जी। तो गांव वाले गुस्सा में आके उसको देवाल को तोड़ दिया। तोड़ दिया। तो किसका कब्जा होना चाहिए आपके? राम सागर का। राम सागर का। वो लोग गलत हैं जी। लगाएंगे, अगर गेट लगा रहे हैं तो गांव की आम रास्ता बंद हो जाएगी। कौन गेट कह रहा लगाने को? रामचंद्र। रामचंद्र जी। और कुछ कहना है आपको इस मामले पर? नहीं जी, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सर राम सिंह। पिताजी का नाम? श्री कुंवर बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? संतोषपुर जनई। अच्छा, आपके गांव आए थे, एक मामला था उस मैटर को लेकर?
तो एक दीवार बनी थी, वो दीवार गिरी पड़ी है, तो वहाँ पर कौन आदमी जायज है अपनी अपनी जगह? वहाँ पर राम सागर जायज है जी, उसका 5 बिसुए का पट्टा है वहाँ पर वो पुस्तैनी पट्टा जी। तो कौन कब्जा कर रहा है वहाँ पर? कब्जा रामचंद्र अनर्गल कर रहा था। क्या कहना चाहोगे शासन? राम सागर अकेला है जी, वो 6 भाई हैं जी, ये लड़ नहीं पाता जी जी। अब इसका पट्टा वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहती थी और ये अकेले की वजह से पूरे गांव को इसने बुलाया जी, उस पक्ष ने भी पूरे गांव को बुलाया। उसके बाद पूरा गांव समझौता के लिए वहां इकट्ठा हुआ जी, और सब लोग समझौता के लिए मान गए और उसी जगह पर आगे थोड़ा बाबा दीन का भी दर्ज है जी, इंदराज नंबर 1.5 बीघे का जी, जो रास्ता बन रहा था, गेट लग रहा था, वो बाबा दीन लोज की जगह में है जी, पीछे राम सागर का है जी। तो बाबा दीन ने कहा कि हम रास्ता नहीं जाने देंगे, हमारे पास न पैसा है लड़ने के लिए, न हम लड़ने के सक्षम हैं, हम गांव राव के समक्ष कह रहे हैं कि ये मेरा, ये हमें मिलना चाहिए जी। और ये अनर्गल गेट लग रहा है, प्रधान से मैंने बताया है, प्रधान ने कहा संतोष करो, चकबंदी में जितना दर्द तुम्हारा वो मिल जाएगा। उसके बाद में वो लोग नहीं माने, राम सागर को गाली देने लगे, मारने के लिए दौड़े, तो गांव वाले कहें कि पूरे गांव को बुलाकर कि तुम पूरे गांव की क्यों बेइज्जती कर रहे हो, अनर्गल गेट लगा लिया और गेट लगाने के बावजूद तुम गाली दे रहे हो सबके सामने, और प्रशासन तुमको कह गया तो बनाने के लिए, तो प्रशासन कह गया तो गांव तोड़वा भी सकता है, इसलिए वो दीवार टूट गई जी। भैया अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम बब्बन सिंह राजावत है। पिताजी का नाम? श्री रामदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम संतोषपुर पोर्ट जनी थाना महाराजगंज जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैं। अच्छा, आपके यहाँ एक मामला चल रहा है, तो क्या मामला है पूरी बात बताओ उसके बारे में। हमारे यहाँ मामला चल रहा है राम सागर और चंद्र वर्मा का जी। वहाँ पर राम सागर का काफी दिन पहले से वहाँ पर कब्जा था, अनियमित तरीके से वो लोग फरंगही करके राम सागर को दबा रहे हैं जी, और इनके कब्जे पर वो अपना अधिकार जमा रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि उसकी पैमाइश होनी चाहिए जी, और जिसका वहाँ पर पट्टा है, पहले से कब्जा है जी, उसी का कब्जा वहाँ पर दिलाया जाए और उसी को दिलाना चाहते हैं हम लोग। थैंक यू। पूरे गांव की भीड़ एकत्रित हुई, सम्मानित व्यक्ति एकत्रित हुए वहाँ पर, और समाज की और गांव की बात न मानते हुए रामचंद्र ने सबको, सम्मानित व्यक्तियों को, ठाकुर और ब्राह्मण दोनों समाज के अतिरिक्त लोग वहाँ पर उपस्थित हुए और दोनों लोग, उन लोगों ने इस पार्टी को और जितने भी लोग उपस्थित हुए पूरे ग्रामवासी, उन लोगों ने बदतमीजी की, ग्रामवासियों को, सम्मानित व्यक्तियों को, उन लोगों ने गालियां दी। किसने गाली दी? रामचंद्र वर्मा ने जी। रामचंद्र वर्मा ने जब गाली दी तो इधर से विद्रोह फैला, विद्रोह उठा, और जो दीवार थी अनियमित तरीके से बनी हुई थी उसको गांव वालों ने मिलकर के उसको तोड़वा दिया जी, और गांव वालों का, सभी ग्रामवासियों का, हमारा भी मतलब कहना है, भारत कारणी सेना से युवा मंडल अध्यक्ष रायबरेली से हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ वहाँ पर राम सागर जी का कब्जा था और राम सागर जी का ही कब्जा होना चाहिए वहाँ पर।